ईरान की ओर से 1 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया गया था। इसराइल की ओर से एक जबरदस्त पलटवार की उम्मीद की जा रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की। उन्होंने अमेरिका को सूचित किया है कि इसराइल पूरे क्षेत्र में युद्ध शुरू नहीं करना चाहता, इसलिए वो ईरान की तेल या न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने की जगह इसराइली सैन्य ठिकानों पर हमला करने को तैयार है। दरअसल अमेरिका कहता रहा है कि ईरान की तेल या न्यूक्लियर फैसिलिटी को इसराइल निशाना ना बनाए, क्योंकि ये पूरे खाड़ी में युद्ध भड़का सकता है। ईरान भी तेल फैसिलिटी पर हमले के जवाब में अमेरिकी सहयोगियों पर हमले की धमकी देता रहा है। इसराइल का ये कहना है कि वो मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट करेगा। ये अमेरिका के लिए राहत वाली खबर है। इजरायली अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि उनका पलटवार ईरान की ओर से किए गए हमले से काफी बड़ा होगा। ईरान ने इसराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। इजरायली सूत्रों ने कहा कि उनका फोकस ईरान के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी है। इसमें किसी भी तरह की हिचकिचाहट या देरी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के समय और दायरे पर निर्णय लेने के लिए नेतन्याहू अपने रक्षा मंत्री और सीनियर सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने रक्षा मंत्री योव गैलेंट, आईटीएफ चीफ हरजी हलेवी और सीनियर खुफिया अधिकारियों के साथ इंटेलिजेंस बेस में मुलाकात की। ये मुलाकात पहले से तय नहीं थी और सोमवार को भी चली। इसराइल की किसी भी कार्रवाई से पहले अमेरिका ने घोषणा की है कि वो अपना थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिकी सैनिकों के साथ क्षेत्र में तैनात कर रहा है। अमेरिकी सैनिक इसे संचालित करेंगे ताकि ईरान की ओर से किसी भी नए हमले में एक मजबूत सुरक्षा कवच रहे। इस बात की भी आशंका है कि इसराइल के हमले का ईरान जवाब भी देगा, इसलिए अमेरिका के साथ समन्वय को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि ब्रिटेन के सऊदी अरब के अखबार अशरक अल अवसाद के मुताबिक ईरान ने संकेत दिया है कि अगर इजरायली हमला सीमित होता है तो संघर्ष का ये दौर यहीं रुक जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इजरायली अधिकारी मानते हैं कि ईरान संघर्ष विराम में रुचि रखता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।